लहसुन प्याज के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत बल्ब फसल है। लहसुन मसाले के अलावा दवा के रूप में भी इस्तेमाल होने वाली फसल है। इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। लहसुन में बहुत सारे रोग लगते हैं, लेकिन इन दिनों स्टेमफिलियम झुलसा रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यह रोग स्टेमफिलियम वेसिकेरियम नामक फफूंद से होता है, जो कि मिट्टी तथा पौधों के अवशेषों में जिंदा रहता है और यहीं से अपना इन्फेक्शन शुरू करता है और लगभग 40-45% फसल को नुकसान पहुंचाता है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। इस रोग के शुरू होते समय ये घाव हल्के पीले रंग के होते हैं, जो बाद में सफ़ेद रंग के हो जाते हैं और चारों ओर से पीले रंग से घिरे हुए होते हैं। धीरे धीरे ये घाव आकार में बढ़ने लगते हैं और लंबे होकर आँख की आकृति के दिखाई देने लगते हैं। बाद में ये घाव हल्के भूरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं और नारंगी रंग से घिर जाते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लहसुन के खेत में आपको दो प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। पहला छोटे सफ़ेद घाव और दूसरा धसे हुए बैंगनी धब्बे जो बाद में काले हो जाते हैं। जब ये घाव आपस में मिल जाते हैं तो पत्तियों का बहुत हिस्सा मार देते हैं। पत्तियों के मध्य भाग से अगर इस फफूंद का संक्रमण शुरू होता है तो पत्तियां कमज़ोर होकर या टूटकर लटक जाती हैं। अगर इस रोग का संक्रमण ज़्यादा गंभीर हो जाए तो पौधों के पूरे भाग मर जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं और इस तरह पूरा खेत झुलसा हुआ दिखाई देता है। यदि मौसम गर्म आर्द्र हो और लहसुन की पत्तियां 16 घंटों से ज़्यादा देर तक गीली हों तो ऐसे में यह रोग ज़्यादा लगता है। इसी रोग से मिलता जुलता एक और रोग लहसुन में लगता है, जिसका नाम बैंगनी धब्बा है, जो कि अल्टरनेरिया पोराई नामक फफूंद से होता है। इन दोनों रोगों की पहचान करने में बहुत से लोगों को दुविधा होती है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन इन दोनों रोगों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि स्टेमफिलियम झुलसा रोग के घाव आखिर में काले हो जाते हैं, जबकि बैंगनी धब्बा रोग के धब्बे और गहरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप इन दोनों रोगों को पहचान सकते हैं। तनों पर भी इस रोग के लक्षण पत्तियों की तरह ही दिखाई देते हैं, जो शुरुआत में हल्के पीले रंग के घाव के रूप में दिखाई देते हैं और बाद में बड़े और सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे जैसे यह रोग बढ़ता है वैसे ही ये घाव धंसने लगते हैं और इन घावों का रंग भी बदलने लगता है। ये घाव सफ़ेद से हल्के भूरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं और ये भी चारों ओर से नारंगी रंग से घिरे होते हैं। बाद में तनों के घाव भी इस फफूंद के कुनिडिया और कुनिडियोफोर बनने के कारण काले हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे इस रोग की रोकथाम की जाए। इस रोग से ग्रसित फसल के अवशेषों को इकट्ठा करके जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। 2-3 साल तक का फसल चक्र अपनाएं। खेत में पानी का भराव ज़्यादा ना हो, इसलिए पानी को निकालते रहें। लहसुन के पौधों को ज़्यादा घना नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा घनी फसल होने पर यह रोग ज़्यादा लगता है। बुआई से पहले
लहसुन के बीजों का गर्म पानी से उपचार करें। लहसुन के बीजों को गर्म पानी में जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो उसमें 20 मिनट तक डुबो कर रखें। ऐसा करने से बीज में मौजूद फफूद मर जाता है। हम लहसुन के स्टेमफिलियम झुलसा और बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम समान विधियों से कर सकते हैं।